आजमगढ़ मुबारकपुर शाहीन हॉस्पिटल थाना रोड अली नगर मुबारकपुर सरादना हॉस्पिटल के द्वारा सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। मुबारकपुर आजमगढ़ शाहीन हॉस्पिटल थाना रोड अली नगर मुबारकपुर सरादना हॉस्पिटल के डायरेक्टर व चेयरमैन प्रसिद्ध डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर एकिका सिंह, डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर रुपेश सिंह, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर साहिन लारा व तमाम स्टाफगण उपस्थित रहे। रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी द्वारा साइन अस्पताल मुबारकपुर में एक बड़ा मेगा निःशुल्क कैंप का आयोजन हुआ है, जिसके लिए हम डॉक्टर साइन मैडम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आपके वजह से हम लोग ने पूरे सरादना हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी टीम है, जिसमें डॉक्टर सुजीत सिंह हमारे मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर राहुल ऑर्थोपेडिक्स इंचार्ज और उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डॉक्टर रेहान एमडी पीडियाट्रिक्स जो अलीगढ़ से एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, डॉक्टर रुपेश और डॉक्टर एकिका सिंह की पूरी टीम यहां पे मौजूद है। और आज जितने मरीजों को देखा जाएगा सबकी जांच निःशुल्क होगी और दवाएं भी निःशुल्क वितरित की जाएगी। गरीब मरीजों को कोई भी दवा का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और वहाँ पे जाके खुद जो पैसे के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, जिनकी जान जा रही है उनकी जान बचाई जाए, जो हमारे अस्पताल का मकसद है, उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज निःशुल्क कैंप लगाया है। और उसके बाद हम लोग की ओपीडी की सेवा और भी तमाम सेवा इस अस्पताल के धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू। सर साहब, आज जो शिविर लगा है इसमें किस तरह से लोगों का इलाज हो रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल शारदा नारायण हॉस्पिटल से वरिष्ठ के रूप में, ये शारदा नारायण हॉस्पिटल मऊ और शाहीन हॉस्पिटल मुबारकपुर दोनों का एक साझा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मऊ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं शारदा नारायण वरिष्ठ डॉक्टर, वो यहाँ पे आएंगे और अपना इलाज करेंगे मरीजों का। और उसी के क्रम में आज एक कैंप निःशुल्क रखा गया ताकि मरीजों को पहचाना जा सके कौन से मरीज किस कैटेगरी में आ रहे हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, तो उनका आज दवा भी जो है निःशुल्क वितरित किया जाएगा और उनको एक सही सलाह दी जाएगी कि आगे क्या करना है। जिस तरह के मरीज होंगे उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, इसमें खुद हड्डी रोग विशेषज्ञ हों, गायनी के भी डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं और बच्चों वाले डॉक्टर भी हैं। एक दिवसीय है सर ये जो शिविर लगा है निःशुल्क? एक दिवसीय है? एक दिवसीय है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की सेवा बराबर उपलब्ध रहेगी और मतलब सस्ते में रहेगी। हम लोग कोशिश मतलब आधा दिन जो बैठेंगे डॉक्टर वो मतलब सेवा की जो कि जो मरीज बड़े शहरों में नहीं जा पाते या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं जाते, उनको यहीं पे उनके दरवाजे पे ही वो सेवा उपलब्ध रहे। और एक अच्छी सबसे बड़ी है कि जब बीमार आदमी बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको एक सही सलाह देना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, कारगर होती है। बीमारी का मतलब पहले ही सही से पता लगा लेना, डायग्नोसिस हो जाना, उसमें बहुत पैसा बचता है और टाइम बचता है और मरीज के लिए भी, मरीज के परिवार के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो उसी क्रम में यहाँ पे मेडिसिन के डॉक्टर डॉक्टर संजय कोल्ली हैं, कार्डियोलॉजी, मैं डॉक्टर राहुल ऑर्थोपेडिक का, डॉक्टर रेहान है जो पीडियाट्रिक है, सारी जो समस्या हैं उनके बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो सारे डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध रहे हैं। थैंक यू। सर, आज जो शिविर लगा है क्या उद्देश्य का है? देखिए, जैसे आपको पता है कि हर तरह के मरीज रहते हैं, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं या पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो शिविर का मकसद ये होता है कि जो गरीब मरीज हैं या जो जांच नहीं करा सकते हैं उनकी जांच कराई जाए, उनको बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए और जो इलाज के लिए संभव है उनको दवा दिया जाए। तो ये इसीलिए सरादना हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से लगातार निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता है और हर जगह दूर दूर जाके हम लोग ये चिकित्सा शिविर लगाते हैं। हमारे डॉक्टर सुजीत जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एकिका, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर रुपेश की पूरी टीम है, हमारे जो एक हाई क्लास चिकित्सक की पूरी टीम है,
और ये पूरी टीम हम हमेशा इसका मकसद होता है कि जो गरीब मरीज जो अस्पतालों तक ना पहुंच जाए वहां खुद अपनी टीम जाके उनका परीक्षण करती है, उनको निःशुल्क इलाज करती है और उनको ये जागरूक करती है। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की कमी है हमारे देश में और बहुत से लोग ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसका जांच नहीं कराते हैं, शुगर की है उसकी दवा नहीं लेते, तो अगर आप जागरूक कर देते हैं तो उस मरीज को दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस उद्देश्य से शारदा नारायण हॉस्पिटल हमेशा अपने जिम्मेदारियों को वहन करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से पूरे पूर्वांचल में एक नायाब अपना उदाहरण पेश किया है। जागरूक करिए मरीजों को इलाज से बचाइए। गरीब मरीज जो इलाज के लिए संभव नहीं है उनको आयुष्मान से हमारी गवर्नमेंट का जो आयुष्मान कार्ड धारकों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और हम लोग तमाम लोग घुटना प्रत्यारोपण से लेके हार्ट की पेसमेकर सर्जरी सब आयुष्मान से कर रहे हैं। तो आप सोचिए बहुत बड़ी सुविधा है जिसमें एक रुपया भी नहीं लगता है। आप आइए और यहाँ भी मुबारकपुर में भी जो ये आगे जो सुविधा दी जाएगी उसमें आयुष्मान धारकों और गरीब मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी। देखा जाता था सर कि ग्रामीण अंचलों में इसका ज़्यादा अभाव रहता है मेडिकल की लाइन में जी। उसका देखिए ग्रामीण में जो अच्छे चिकित्सक हैं वो ग्रामीण में नहीं आना चाहते हैं। आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर हमेशा बड़े शहरों में रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जब ये 20 साल पहले ये मऊ में शारदा नारायण अस्पताल की स्थापना की गई तो इसीलिए की गई, दिल्ली से हमारे सारे डॉक्टरों की टीम आई, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर एकीकर और डॉक्टर राहुल रूपेश, ये सब लोग आए और इसी मकसद से आए कि यहाँ पे आके ग्रामीण अंचलों में तमाम लोगों की जान बचाई जाए। क्योंकि आप देखिए पहला घंटा जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी जान बचाने के लिए, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे लीवर फेलियर हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, एक्लेम्सिया हो, चाहे ब्रेन की हेड इंजरी हो गया हो, उसको एक्सीडेंट हो गया हो, तो पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसी जगह सुविधा मिल जाए और पहले घंटे में मरीज के और डॉक्टर पहुंच जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से हम लोग जो शारदा नारायण अस्पताल का एक विज़न है।